दोस्तों तीन पत्ती और रमी जितने भी एप्लीकेशन है वहाँ पे ज़्यादातर लोग लॉस क्यों करते हैं और किस तरीके से लोगों को मतलब लॉस में धकेला जाता है, इसके बारे में इस वीडियो में एकदम प्रूफ के साथ बात करने वाला हूँ। तो ये जो वीडियो है ना इन्फॉर्मेटिव है, काफ़ी कुछ आपको इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एक बार लास्ट तक देख लेना, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। और ये मेरा एक सस्ता सा सेटअप है, कैसा लगा इसको भी आप कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब चलिए बात करते हैं कि लोग इस तरीके के एप्लीकेशन में लॉस क्यों करते हैं। अब दोस्तों जितने भी गेम है ना, ये ड्रैगन वर्सेस टाइगर कह लो, जू रोलेट कह लो, रोलेट कह लो, ये कार रोलेट है, जितने भी मतलब गेम होते हैं ऐसे एप्लीकेशन के अंदर, उन सभी गेम के अंदर आप एक चीज़ हमेशा नोटिस करना, 40 प्लेयर, 30 प्लेयर, 60 प्लेयर, 80 प्लेयर, 100 प्लेयर, 120, इससे ज़्यादा आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब 120 भी कभी कभार देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है 40, 50, 60, 70 प्लेयर। एक टेबल में इतने प्लेयर खेलते हुए आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद उन प्लेयर को अगर आप इस तरीके से देख सकते हो, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँगा, खोल के जब आप चेक करोगे ना कि प्लेयर कितने के पास पैसा है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिला आधे से ज़्यादा प्लेयर के पास तो पैसा ही नहीं है। मतलब ये सभी अभी तक लॉस कर चुके हैं और कुछ के पास मतलब ना के बराबर पैसे है, लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिनके पास बहुत मोटा रकम दिखाते हैं। ऐसा मत समझिएगा कि वो रियल प्लेयर हो सकते हैं, वो फेक भी तो हो सकता है, क्योंकि जितने भी लॉस किए करके बैठे हैं उसका संख्या ज़्यादा है और जो मोटा रकम वाला बंदा है वो कम है। क्योंकि ये जो मोटा रकम वाला बंदा है ये कंपनी का ही होता है, इसलिए इनको ज़्यादा लॉस नहीं दिखाते हैं, लॉस नहीं कराते हैं। ये लोग ऐसे कंटिन्यू खेलता रहता है, कंप्यूटराइज्ड होते, या तो ये कंप्यूटराइज्ड है या फिर ये रियल पर्सन को ऐसे टेबलों में बिठा देते हैं 10-5 लोगों को, और इनको मतलब ऐसे ही 24 घंटे खेलता रहता है, और आप बीच में जाते हो और अपना पैसा लॉस करते हो फिर वापस आ जाते हो। अब दोस्तों शुरुआत कहाँ से होता है? दोस्तों जब भी आप ऐसे एप्लीकेशन के अंदर जाते हो तो वहाँ पे आपको शुरुआत में जब आप गेम खेलोगे ना तो आपको जिताया जाएगा ज़्यादातर। मतलब आप ये कह सकते हो 80-90% लोगों को शुरुआत में जिताया जाता है। जब उसके बाद लोग अच्छा खासा अमाउंट जीत जाते हैं, कुछ लोग जब 1000 ऐड करते हैं तो वो 500-1000 और जीत लेते हैं, जो लोग 4-5 हज़ार, 8-10 हज़ार ऐड करते हैं वो लोग 2-3 हज़ार जीत लेते हैं। मतलब आप ये समझिए कि ऐसे गेम में जब कोई बंदा शुरुआत में जाके ही 2-3 हज़ार जीत जाते हैं, वो क्या कभी लाइफ में नहीं खेलेंगे? इस तरीके के एप्लीकेशन का यही प्लान है कि आप शुरुआत में जाओ और 2-4 हज़ार जीत लो, आपको जीत कर दिखाएंगे, आपको जीतते हुए दिखाएंगे। पैसों के लालच किसको नहीं है दोस्तों, सबको होता है और हर कोई जीतना चाहता है, हर कोई अच्छा पैसा कमाना चाहता है। तो हर कोई जब इस तरीके के एप्लीकेशन में जाके शुरुआत में ही 1000-1500, 4-5 हज़ार, 10-15 हज़ार जीत जाते हैं तो लालच बढ़ जाते हैं। मतलब ये उम्मीद हो जाते हैं कि ऐसे गेम से जीत पाएंगे और खेलते रहते हैं। और जब उसके बाद एक दिन, दो दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन तक आप जीत सकते हो, 3 दिन तो आप ये उम्मीद मत करना, लेकिन आखिरी अगर आप कह सकते हो कि आखिरी बार अगर 3 बार तक अगर जीत लेना, 3 दिन तक जीत गए, 3 दिन गेम खेला, 3 दिन कंटिन्यू जीत गए, उसके बाद आप ये श्योर रहिए, 100% श्योर रहिए, 4th दिन आप हारने वाले हो। अगर 4th दिन भी आपने कंटिन्यू, आप ऐसा एक बंदा दिखा दो मुझे, आप कमेंट करो, एक बंदा ऐसा दिखा दो कि 4 के 4 दिन या 5 दिन, 6 दिन कंटिन्यू विन किया 1000, 2000, 5000, 10000 करके, नहीं मिलेंगे। कोई भी नहीं है ऐसा कि हर दिन जीत सके। और ये जो इस तरीके का गेम है ना, ये हर दिन अपडेट लाता रहता है, हर एक गेम में अपडेट होता है, हर एक जो रूल होता है गेम का, जो एक पैटर्न होता है, हर एक पैटर्न चेंज होता है, हर कुछ चेंज हो जाते हैं 24 घंटे में, 12 घंटे बाद आपको समझ ही नहीं आएगा। जब वो चेंज हो जाएंगे आप सेम उसी तरीके के याद करके लगा दोगे और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि वो साइड आया ही नहीं, क्योंकि वो बदल चुका है। तो इस तरीके से शुरुआत में जिताया जाता है, लालच दिया जाता है ताकि दोबारा आके खेले। दोबारा जब हारते हैं ना तो उम्मीद ये बनता है कि कल तो हमने विन किया था, आज तो लॉस हो रहा हो, और ऐड कर लेता हूँ, रिकवर कर लूँ या थोड़ा सा जीत लूँ, ज़्यादा नहीं।
तो इसके चक्कर में और ऐड करके और ज़्यादा लॉस हो जाती हो। तो यही चीज़ें चलता है इस तरीके की एप्लीकेशन में। कितना भी पैसे लगा लो, कितनी देर तक खेलो, आपको सिर्फ लॉस ही कराएगा। यही इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि इस तरीके की गेम में कभी भी मत खेलिएगा, लाइफ बर्बाद हो सकता है। अपना पैसा संभाल के रखिएगा, ऐसे लोगों के हाथ में नहीं जाने दीजिएगा, क्योंकि वापस आपको दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। बहुत सारे लोगों के अभी भी कमेंट आते हैं कि हमने इतना लॉस कर लिया, हमने इतना गवा दिया हुआ इस एप्लीकेशन में। उन सबको बता देना चाहता हूँ कि ये जो लॉस हुआ है ना, भूल जाना ही बेहतर है। कभी भी रिकवर के चक्कर में मत पड़िएगा, और ज़्यादा लॉस हो जाओगे, घर ज़मीन सब कुछ बिक जाएगा, बर्बाद हो जाओगे, रास्ते पर आ जाओगे। संभल जाओ, टाइम है, वरना अंजाम बहुत गलत हो सकता है। बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।